ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। दोस्तों, बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन। 29 मार्च को प्रवेश करेंगे मकर राशि में। 14 मई को मकर राशि में ही वक्री होंगे। 30 जून को वापस धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा इस पीरियड को, जब बृहस्पति मकर राशि जो कि शनि की राशि है में गोचर करेंगे 29 मार्च से 14 मई तक, इसको जानेंगे इस वीडियो में। ओवरऑल सोशल सिस्टम, इकोनॉमी, वर्ल्ड, सभी राशियों पे क्या प्रभाव होगा इसके बारे में हमारा एक दूसरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखना ना भूलें। उसको थोड़ा आपके इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी बनेगी। अभी हम बात करेंगे मिथुन राशि की। दोस्तों, आप जानते हैं गुरु देवता है, ये धर्म को, स्वास्थ्य, पैसा, मान सम्मान, विद्या, व्यापार, नौकरी, संतान, लीगल सिस्टम, सरकार, मोक्ष को इंडिकेट करते हैं। ये मिथुन लगन या मिथुन राशि के चार्ट में अष्टम हाउस में ट्रांजिट करेंगे। बृहस्पति मिथुन लगन में बाधक होते हैं क्योंकि वो सप्तम स्थान के स्वामी हैं। बुद्धि के घर में ज्ञान बाधक रहता है और ज्ञान के घर में बुद्धि। इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बुद्धि हमें सिर्फ हमारे बारे में सोचने के लिए बताती है, अपने बेनिफिट, अपने फाइनेंशियल, अपने मटेरियलिस्टिक गेन, जबकि जो ज्ञान है ये आपको समाज की भलाई, पूरे नीति और धर्म के साथ चलने को बताता है। इसमें मैं और मेरा बाद में आता है, पहले समाज आता है, जबकि बुद्धि के केस में पहले मैं और मेरा आता है और बाद में समाज आता है। सो बुध और बृहस्पति दोनों एक दूसरे के लिए बाधक होते हैं। अगर हम अपना सोचते हैं तो समाज का नंबर बाद में आता है। तो चलो देखते हैं 29 मार्च को मिथुन राशि के लिए प्लैनेट्स की पोजीशन किस प्रकार होगी। राहु देवता लगन में, यानी कि दिमाग में कंफ्यूजन, मोटिवेशन का लेवल बहुत हाई मगर फिर भी कंफ्यूजन। केतु सप्तम हाउस में, यानी कि पार्टनरशिप, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी पब्लिक प्रोजेक्शन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, वहाँ पे जाके केतु देवता बैठ गए। एट्थ हाउस वो हाउस होता है जो आपकी सारी एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर लेता है। बृहस्पति, मंगल, शनि एट्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में बुध, धर्म के घर में बुध पहुंच गए। ट्वेल्थ हाउस में शुक्र आ गए। बाधक बृहस्पति नीच होकर एट्थ हाउस में शनि और मंगल के साथ गोचर करेंगे। दोनों मेलिफिक और क्रूर ग्रहों के साथ बृहस्पति की सिग्निफिकेशन काफी दब जाएगी क्योंकि धर्म कर्म के बीच में अभी मंगल का एनर्जी और शनि का इफेक्ट दोनों आ गए। दोस्तों, मिथुन राशि एक व्यापार की राशि है, बिजनेस की राशि है, ये संसार के कॉमर्स की राशि है, इकोनॉमिक्स की राशि है। इन तीन प्लैनेट्स का एट्थ हाउस में होने से वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड ओवरऑल हेल्थ में काफी डाउनफॉल आ सकता है। पूरे दुनिया का व्यापार तकरीबन ठप हो सकता है। मगर इंटरेस्टिंगली मिथुन राशि के लोगों को इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, वसीयत से लाभ हो सकता है। इनको सट्टे से भी लाभ हो सकता है, मगर शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है, मगर इनको शेयर मार्केट में जो सट्टा है नीचे गिरने का लगाना है, ना कि ऊपर जाने का। आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे लगाते हैं तो पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, वो आपके लिए कुछ पैसा कमाने का जरिया बन सकता है। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई नए वेंचर्स, कोई नए एक्सपेंशन को अवॉइड करें। मैरिड लाइफ के लिए समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है क्योंकि मैरिड लाइफ के घर में पहले भी केतु बैठे हैं और इनके स्वामी जो है वो अष्टम में चले जाते हैं।
तो थोड़ा आपको इंतज़ार करना ठीक रहेगा। हाँ, जो शादी का प्रपोजल चल रहा है उसमें आपको जो लाइफ पार्टनर है, सोसाइटी में आपको किसी अपने से अच्छे लेवल के घर का मिल सकता है। प्रोजनी की बात करें, इस पीरियड में अगर चाइल्ड बर्थ होता है तो गर्ल चाइल्ड प्रोजनी के केसेस ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति बॉय चाइल्ड को इंडिकेट करते हैं, और जब नीच है, शनि मंगल के इफेक्ट में है, तो गर्ल चाइल्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर भी रिकमेंडेड है जिनके केसेस के अंदर चाइल्ड प्रोजनी चल रहा है, रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट करते रहें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा मंगल का और शनि का उपाय करना ठीक रहेगा। दोस्तों, ये समय मिथुन राशि वालों का इंटरेस्ट ज्योतिष, मेडिटेशन, ओकल्ट स्टडीज की तरफ बढ़ेगा। कोई कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे योगा का हो, मेडिटेशन का हो, कहीं धार्मिक स्थान पर यात्रा कर सकते हैं, चाहे बच्चों के साथ हो, फैमिली के साथ। गर्मी की छुट्टियों में विजिट करें। आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ सकता है। इस पीरियड में हो सकता है कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करें। फिजिकल मूवमेंट कंटिन्यू करनी है, क्योंकि अगर फिजिकल मूवमेंट कम होगी तो वेट गेन हो सकता है। एकदम से 5-7 kg वेट गेन कर सकते हैं। हेल्थ के लिए स्पेशली, खान पान और लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए स्पेशली सावधान रहें। दोस्तों, ये तो था मिथुन राशि के बारे में। बाकी सभी राशियों के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो है, प्लेलिस्ट इसी चैनल पे है, जिसमें बृहस्पति का गोचर मकर राशि में है। वहाँ से आप अपनी पर्टिकुलर राशि के बारे में वीडियो देख सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।